देख रहे हैं जी न्यूज 7। खबर बिहार राज्य से है, जहां उदुरा लालपुर नामक स्थान पे हम इस समय हैं। यहां पे ज्वाइंडिस की अचूक औषधि पुस्तैनी कई पीढ़ियों से पिलाई जा रही है, जिसमें जिस जगह पे हम हैं ये पालजी हैं और वर्षों पुराना इन लोगों का एक्सपीरियंस है। जो ज्वाइंडिस रोग में लोग गर्म खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन पालजी की दवा पीने के बाद इनका कथन है कि आप दवा पीने के बाद आप गर्म भी खा सकते हैं, तैलीय पदार्थ भी खा सकते हैं, जबकि मेडिकल के हिसाब से ज्वाइंडिस में गर्म तैलीय पदार्थ खाना जो है वर्जित है। और मैं अगर बात करूं तो ये पहली जो इनका व्यवसाय रहा है, ये इनके पिताजी थे महावीर पाल जी और उनके दो बच्चे हैं रामजी पाल और लक्ष्मण पाल जी, ये पुस्तैनी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। ये जो ज्वाइंडिस है एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसमें बिलोबिन की मात्रा जो है काफी बढ़ जाती है और फिर यह हेपेटाइटिस बी और अन्य तमाम तरह के रोगों को जन्म देता है, जिससे यहाँ के अगर सही ढंग से अगर उसका उपचार न हुआ तो लोगों की जान भी जा सकती है। आइए इस सिलसिले में लोगों से बात करते हैं, चूंकि यहाँ अन्य प्रांत से भी लोग आते हैं, इस बाबत हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। ये उत्तर प्रदेश के बनारस से हैं, क्या नाम है आपका? नीलम जी। तो आप ये पहली बार आई हैं यहाँ पे या फिर पहली बार? दूसरी बार आई हैं। तो ये दवा पीने से कुछ लाभ मिला आपको? अच्छा, दूसरी बार आपका ये हुआ है। नीलम मौर्य हैं, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से हैं और ये पहले भी एक बार बता रहे हैं कि इनको पीलिया हुआ था, तो यहाँ के जो औषधि पीने से इनको लाभ हुआ, ये दूसरी बार फिर जो है औषधि लेने के लिए आई हुई है। मैम कहाँ से हैं आप? काटा टेम्पो। तो क्या नाम है आपका? ये आपको हुई है? बच्चों बच्ची हुई है? ये पहली बार? पहली बार यहाँ आ रही है या पहले भी आ चुकी है? पहली बार आ रही है। तो अभी कैसे पता चला कि बच्ची को पीलिया है? कभी मेडिकली जांच नहीं कराई है? मतलब घर का लोग बताए यहाँ कैसे आप आ गए, जानकारी कैसे लिया? जानकारी लोग आए हैं गांव से लोग आए हैं, कहीं न कहीं पाल जी के परिवार का जस अच्छा है, इनके हाथों से जो भी औषधि का कारोबार किया जा रहा है इससे लोगों को लाभ मिल रहा है। आपका परिचय? हेलमेट उदित जी, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? और भी यहाँ पे लगभग हमेशा जो भी ज्वाइंडिस होता है वो यहाँ। अच्छा, तो ये कब जानकारी हुई कि यहाँ ज्वाइंडिस का जो है औषधि आपको दिया जाए? 10 साल पहले जानकारी दी। 10 साल? 10 साल पहले। तो यहाँ कितनी बार औषधि? 3 बार आ चुके हैं, 2 बार अपने लिए और 1 बार आया हूँ और सिस्टर। तो यहाँ के इलाज से आप संतुष्ट हैं? कोई दिक्कत नहीं। सर थोड़ा सा अपना नाम बता दें। नाम क्या है आपका? चाचा ये जो आपके पड़ोसी हैं पाल जी, ये कितने दिनों से ज्वाइंटिस की दवा दे रहे हैं? 30 वर्ष। पहले जो इनके पिताजी थे महावीर पाल जी, क्या ये दवा देने का काम उनके द्वारा शुरू हुआ या उनसे भी पहले? उन्हीं के द्वारा किया गया। तो कैसा एक्सपीरियंस है? गाँव के लोग भी इनका लाभ लेते होंगे अगर पीलिया होती होगी तो? गांव के लोग ही पीते हैं? आसपास के सिर्फ लोग आते हैं या फिर बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी आते हैं। बाहर से अच्छा, यूपी से ज्यादा आते हैं? मतलब बलिया, दिल्ली, बहुत दूर से आता है। आप लोग यहीं के निवासी हैं, पुस्तैनी हैं? हाँ हाँ, हम तो यहीं से हैं।
तो अच्छा अच्छा ये कौन सा स्थान है, स्थान का नाम बता दें। लालापुर कुदरा बोले ला। लालापुर कुदरा टावर के पास आना है। टावर के पास जिला तो भगवा होगा ना। जिला भगवा, तो भगवा जिले में कुदरा नामक जगह है। आपको बता दें कि कुदरा एक स्टेशन भी है और स्टेशन से उतर के लालापुर गांव में आना है और वो भी स्टेशन से उत्तर तरफ एक टावर है, वही महावीर पाल जी के दो लड़के हैं राम जी और लक्ष्मण जी, दोनों लोग दवा देते हैं। आइए उनसे भी मिलके बात करते हैं। तो ये है पाल जी हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सिंदर। आप तो वैद्य का काम कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं? साल भर से। एक साल से। आप महावीर जी के लड़के हैं? नहीं, हमारा घर कजार है। अच्छा, मतलब यहाँ रह के काम करते हैं। तो कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं? अरे बहुत लोग से आते हैं, गावा से, पलामू से, झारखंड से, दिल्ली से, गुजरात से, मानिया, भगवान, सराम, बक्सर, तो दूर दराज से मरीज इनके आते हैं। तो ये एक ही बार पीने से समाप्त हो जाता है या कई बार? दो बार। दो बार इसी हो गया तो दो बार, और कम हो गया तो एक बार। और क्या शुल्क वगैरह भी कुछ देते हैं? शुल्क वगैरह भी कुछ देते हैं? पैसा पैसा दवा दे दीजिए। 30 रुपया के बाद बच्चन को 4 घंटा के बाद भोजन देना है। इसके अंदर में जब जब उल्टी होगा, लाइटिंग होगा, सादा पानी पीकर समय बिता लेना है 6 घंटा। और बच्चन को 4 घंटा समय बीत गया, भोजन में दाल भात चोखा चटनी भुजिया अचार जो भी तेल मसाला का बना हुआ चीज सब खाना है। ऊपर से अनार सेव दूध 15 से 20 दिन तक लगातार पी लेना है। 20 दिन के बाद ब्लड चेक करा लीजिएगा, थोड़ा बहुत कमी रहेगा तब आइएगा, नहीं कमी रहेगा नहीं आना है। तेल मठा मूली पालक साग करा चीनी का शरबत ग्लूकोज माड़ भात मठा भात साग भात जो डॉक्टरी सलाह है उसको बंद कर दीजिएगा। भोजन में जितना तेल मसाला का बना हुआ चीज सब खा सकते हैं। ऊपर से अनार से दूध ये सब पीजिए। डॉक्टरी सलाह जो है केला मठा मूली पालक साग करस चीनी का शरबत ग्लूकोज माड़ भात मठा भात साग भात सब बंद हो जाए। मीट मछली सब सादा भोजन बंद, जितना चंदक भोजन तेल मसाला का बना हुआ चीज सब खाइए। ऊपर से अनार सेव दूध ये सब 15 दिन लगातार पी लीजिए। 15 दिन के बाद ब्लड चेक करा लीजिएगा, थोड़ा बहुत कमी रहेगा तो एक बार आ जाइएगा, नहीं कमी रहेगा नहीं आना। इस समय हम भगवा जनपद के लालापुर गांव में हैं। यहाँ पे पूर्व में महावीर पाल जी बैल हुआ करते थे और उनके दो लड़के हैं राम जी पाल और लक्ष्मण जी पाल। इस समय लक्ष्मण पाल जी हमारे साथ हैं और ये जो है जॉइंटिस की दवा देते हैं, इन्हीं से इनकी जुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके यहाँ अपना परिचय करें। हमारा परिचय, हमारा नाम लक्ष्मण कपड़ा, हमारे पिताजी का नाम महावीर था, ग्राम लालापुर कुदरा जिला कैमूर। ये जो आपका मकान है जहाँ पे आप दवा दे रहे हैं, यहाँ कोई लोकेशन आपके आसपास है जहाँ से लोग आसानी से आप तक पहुँच सकें? एयरटेल का टावर लालापुर कुदरा मार्केट से सटा हुआ गांव है जहाँ पे एयरटेल का टावर उसी से सटे। राम जी पाल और लक्ष्मण पाल जी का मकान है, उसी पे जॉइंटिस की दवा। तो पाल जी बताएं ये नुस्खा आपका है, ये कैसे आपको प्राप्त? हमारे पिताजी को एक साधु महात्मा ने बता दिया, उसको हमारे पिताजी अपने समय में अपने जीवित काल तक ये फ्री में दवा चलाते चले। इसके बाद हम लोग को जो पड़ा था हमको साल भर हम चलाए, साल भर के बाद हमको नहीं सब बचा, तो इसमें मैंने अपना हिसाब बांध दवा चला। जब ये उसका पिताजी इस्तेमाल कर रहे थे तब वो एज क्या रही? उस समय हमारा एज करीब 25% निकला, 7 साल चल रहा। तो पिताजी के कार्य में करते थे, उनके कार्य में हमने साल बाद चला, उसका एज हो गया। पिताजी का अपने एज पर हम ही तो ये पहले मुफ्त में और मंथिंग चला कि हम मुफ्त में दवा करेंगे, तब कब से शुल्क लेना शुरू किया और शुल्क कितना शुरू किया? कारण क्या?
कारण रहा कि हमसे नहीं सफा रहा है, हमसे सफा नहीं रहा था, इसलिए मैंने वो भी हम बंद कर रहे थे, लेकिन प्रशासन द्वारा हमें करवा कर इसको चालू कराया गया। हमसे ₹10 हम बांध कर चला आपके यहाँ किन किन लोगों का आपका इलाज होता है, कौन से मरीज कहाँ किस किस जनपद से? हमारे यहाँ तो बहुत से लोग से आते हैं, बहुत दूर से विदेश के भी आदमी आ जाता है ना। दवा जो है मैंने गए दवा मैं लेकर आज बता रहा हूँ, पहले हमारे ज्वाइंटिस का दवा था, इसके बाद में जब मैंने उसमें प्रवेश किया तो मैंने 5 दवा और लेकर चल रहा। क्या कितनी बार जो है दवा जो है पिलानी पड़ती है? एक बार पिला देने के बाद में दवा एक बार पिला दीजिए ठीक हो जाएगी, बस अब डॉक्टरी सलाह और अपन नहीं करेंगे, डॉक्टरी सलाह में चलेंगे, सादा भोजन करेंगे तो नहीं ठीक, हमारा दवा पीने के बाद इलेक्ट्रिसिटी 15 से 20 दिन तक अनाज से गोली सब पीना है, पौष्टिक आहार लेना है, 20 दिन के बाद ब्लड चेक करा लीजिएगा, थोड़ा बहुत कमी रहेगा तो इस बार आ जाइएगा, नहीं कमी रहेगा ना। मतलब अगर अपने शब्दों में अगर हम कहें तो जितनी भी ठंडी चीजें हैं या तो डॉक्टर साहब मना करते हैं अपनी दवा चलाते समय जॉइंटिस की, वो चीजें नहीं करनी है, बल्कि आपके हिसाब से दैनीय वस्तुओं को खाना पीना है, मसालेदार वस्तुओं का मरीज है वो तो जानते हैं उससे का लाभ है या नहीं है, जो नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के प्रति क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ आकर एक बार दवा पी लीजिए, दवा पी कर एक बार में आप लोग हमारे बाद हमारे बाल बच्चे अभी चलाएंगे, ऐसा प्रयास हम करेंगे कि हमारे बाल बच्चे अभी चलाए, इससे बहुत से लोगों को कल्याण है, इसलिए हम इस दवा को बंद नहीं करेंगे। घर के पास बहुत लोग दवा पिलाते हैं ऐसा सुनने में है, लेकिन अगर आप यहाँ आए तो एयरटेल टावर के पास लक्ष्मण पाल का नाम पूछते हुए, रामजी पाल का नाम पूछते हुए इनके पास आए और इस मुद्दे का लाभ उठाएं।